बीआर रैंक के न्यू सीजन आने के बाद सीजन 41 के अंदर हमारी रैंक को इलाइट मास्टर से ड्रॉप करके डायमंड तक फेंक दिया जाता है एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू रैंक पुशिंग करना स्टार्ट करता हूँ, जिसके बाद मैं अपने रैंक को इलाइट हीरो से मास्टर तक अचीव कर लेता हूँ एंड मास्टर अचीव करने के बाद हमारा ग्रैंड मास्टर भी हो जाता है, जिसके बाद हमारा ग्रैंड मास्टर 1 लग जाता है। लेकिन हमारा जस्ट अभी ग्रैंड मास्टर 1 हुआ है एंड हमें यहाँ से आगे भी अचीव करना है, जो कि ग्रैंड मास्टर 2, 3, 4 एंड 5 भी है। एंड इतना ही नहीं, रैंक पुश के साथ साथ हम अपनी वेपन ग्लोरी टाइटल के लिए पुशिंग करेंगे, वो भी इंडिया AWM के अंदर जाने के लिए। अब AWM को ढूंढना उतना ही कठिन है जितना कि ग्रैंड मास्टर जाना। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि OP अपडेट आने के बाद हमारी गेम से पिंक वेंडिंग को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, जिस वजह से हमें अभी AWM केवल अर्सनल, एयर ड्रॉप्स एंड वॉर चेस्ट में ही मिल पाती है। एंड अभी हमारा करंट स्कोर चल रहा है 6002 एंड हमें यहाँ से आगे के लिए रैंक पुशिंग करके 6196 पे ग्रैंड मास्टर 2 को अचीव करना है। एंड वही लीडर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे 19 विंस है, जिस हिसाब से हमें टॉप 100 में जाने के लिए 51 विंस चाहिए। और वहीं AWM की बात करें तो अभी हम इंडिया रीजन के अंदर टॉप 100 के अंदर भी नहीं आए, तो आज हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि टॉप 50 को अचीव करें। अभी हमको जस्ट 100 का प्लस चाहिए, जिसके बाद हम टॉप 100 के अंदर भी आ जाएंगे। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके पास कितने टाइटल अभी अवेलेबल है। तो चलो फटाफट मैच के अंदर चलते हैं। अब ये था हमारा आज का पहला मैच, जिसके अंदर की मेरे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 5 बंदे अलाइव थे। इतने में सामने एक बंदा गाड़ी लेके आता है, जिसकी गाड़ी डैमेज होकर फूट जाती है, जिसके बाद मैं उसको फिनिश कर लेता हूँ एंड मेरे 5 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं राइट साइड में देखता हूँ कि एक बंदा ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, बट उसको एम ही नहीं लग पाता, जिसके बाद कि मुझे भी यहाँ से जोन के लिए निकलना था। एंड यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में पहले चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई एनिमी तो नहीं है, नहीं तो मेरे पीछे से आके मेरे को डैमेज दे देगा। इसलिए मैं यहाँ पर फ्लैश फ्रीज मारता हूँ, जिसके बाद भी कोई भी डैमेज काउंट नहीं होता, तो मैं फटाफट यहाँ से निकल के जोन के लिए चल जाता हूँ। अब जोन में पहुंचने के बाद जिस लास्ट के 2 ही एनिमी बचे हुए थे एंड सामने ही एनिमी था, जिसके बाद कि मैं आगे ग्लू वॉल मार के जाता हूँ एंड ये दोनों बंदे मेरी साइड को भी फायर कर रहे थे, जिसके बाद कि ऊपर वाला एनिमी मेरे पर लॉन्चर का ट्राई करता है एंड यहाँ पर से सामने वाला बंदा मेरे को गन से डैमेज दे रहा था एंड यहाँ से जोन भी आ रहा था तो मुझे भी निकलना था, बट यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी का शिकार नहीं होने चाहता था, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा था एंड मैं चाहता था कि इन दोनों की फाइट यहाँ पर हो जाए। एंड जैसे ही थोड़ी देर बाद ये बंदा पीछे से डैमेज देना आता है, ऊपर वाला बंदा मेरे पे ग्रेनेड भी कर देता है एंड ग्रेनेड से बचने के बाद मैं रिपेयर किट मार के तत्सुया की एबिलिटी मार के ऊपर जाता तो ये बंदा जस्ट मेरे सामने था, जिसके बाद मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड नीचे वाला बंदा भी मौके का फायदा उठा के रश करने आ जाता है, जिसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पर मेरे पे मैक्सिम कैरेक्टर था इसलिए मैं जोन में रह के मेडी मार लेता हूँ एंड फिर नीचे साइड से चल जाता हूँ एंड वो बंदा ग्रेनेड करता है एंड ऊपर वाले को डैमेज करने लगता है, जिसके बाद एक बंदा फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर जस्ट एक आखिरी का एनिमी था, जिसको फिनिश करके मुझे बुया लेना था, तो मैं फटाफट पहले सुपर मेडी मार लेता ताकि मेरे को एक्स्ट्रा एचपी मिलते रहे एंड ये बंदा भी तत्सुया यूज करता है, जिसके बाद मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड फिर से मेरी हेल्थ डाउन थी तो मैं फिर से एक और सुपर मेडी मार लेता हूँ ताकि मेरे को एक्स्ट्रा एचपी मिलती रहे एंड फिर इस पर रश मारने चल जाता हूँ एंड इसको फाइनली डाउन कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं इसको फटाफट यहाँ पर MP40 के साथ फिनिश कर लेता हूँ एंड पहले मैच को बुया कर लेता हूँ। इसके बाद ये पहले ही मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर 6 किल के साथ बुया निकल जाता है एंड टोटल 33 का प्लस भी मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें ये वाले मैच की, तो मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 9 बंदे अलाइव थे। इतने में यहाँ पर एक बंदा पैक होके रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको पैक ही कर देता हूँ एंड मेरे पास ग्रेनेड एंड फ्लैश फ्रीज था, तो मैं पहले फ्लैश फ्रीज मारता हूँ फिर उसके बाद मैं इस पर ग्रेनेड फेंक देता हूँ ताकि ये बंदा एलिमिनेट हो जाए एंड मुझे किल भी मिल जाए, जिसके बाद कि ये बंदा फिनिश हो जाता है एंड मेरे यहाँ पर 6 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके बाद कि लास्ट का जोन मेरे पास में था एंड मैं इसको लूट करने निकल जाता हूँ। अब लूट कंप्लीट करने के बाद एक एनिमी मेरे पर रश करने के लिए आता है, जो कि सामने से यहाँ पर लॉन्चर मारने लग जाता है, जिसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ क्योंकि लॉन्चर का डैमेज अंदर भी आता। अब जैसे मैं यहाँ पर M10 लेके खड़ा था, पीछे से एक और एनिमी मेरे को डैमेज देने जाता है, जिसके मैं फटाफट से अपने आप को पैक कर लेता हूँ एंड फटाफट रिपेयर किट एंड हेल्थ किट मार के यहाँ पर अपने आप को हील कर लेता हूँ। अब मुझे डर था कि ये बंदा ग्रेनेड ना कर दे, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड इस बंदे की लोकेशन जानने की ट्राई करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ये बंदा इस साइड में है, तो मैं तत्सुया की एबिलिटी यूज करके सीधा से पीछे जाता हूँ एंड इस बंदे को थोड़ा बहुत M10 से डैमेज करता हूँ, जिसके बाद मैं और इधर की साइड को वॉल मारता हूँ एंड मैं लॉन्चर मारने का ट्राई कर ही रहा था कि ये बंदा इधर से घूम के आता है, जिसके बाद इसको एकदम ओपी सा वन टैप पड़ जाता है एंड मेरे 7 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद लास्ट के 5 ही बंदे अलाइव थे एंड यहाँ पर लास्ट के एनिमी गाड़ी लेके घूम रहे थे, तो मैं फटाफट इसको लूट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास और HP वगैरह मेडी वगैरह रहे। और लूट करते करते यहाँ पर एक एनिमी बाइक लेके आता है, जो कि मेरी बाइक को डैमेज करता है, जिसके बाद मैं इसका M10 से फायर करता हूँ एंड ये बंदा की गाड़ी रुक जाती है, जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर पैक करता है, तो मैं यहाँ पर स्काइलर मारता हूँ एंड ये बंदा फिर से गाड़ी में बैठने का ट्राई करता है, जिसके बाद मैं उसको फाइनली बॉडी बॉडी मार के M10 से ही फिनिश कर देता हूँ एंड इसके बाद से लास्ट के जस्ट 3 ही एनिमी बचे हुए थे, तो फटाफट इसको लूट करता हूँ एंड मेरे को यहाँ से स्कैनर मिल जाता है, जिसके बाद मैं फटाफट यहाँ पर स्कैनर यूज कर लेता हूँ ताकि मेरे को और एनिमीज की लोकेशन मिल जाए। इतने में पीछे फाइट चली तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो पीछे से एक एनिमी मेरे को डैमेज देने लग जाता है, जिसके बाद मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड जैसे ही मैं तत्सुया की एबिलिटी मार के जाता हूँ, तो मेरा एम पूरा का पूरा रिकॉइल हो जाता है, जिसके बाद मैं फटाफट से पैक कर लेता हूँ एंड मेडिकिट मारने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरी HP काफी ज्यादा कम थी एंड सुपर मेडी मारने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के मैं इसको ढूंढ रहा था
ये कहाँ पर है, ये बंदा लूट करने में बिजी था। इसके मैं थोड़ा बहुत एमटन का और फायर करता हूँ, जिसके बाद की ये बंदा घूम के आने का ट्राई करता तो मैं इसको थोड़ा बहुत और डैमेज करता हूँ। एंड मेरे को पता ही नहीं रहता कि इसका सोनी एक्टिव हो चुका है, तो मैं आगे की साइड जाता हूँ तो इसका सोनी एक्टिव होता है एंड ये बंदा मेरे को फिनिश करता है। एंड ये वाले बंदे का 5 स्टार के साथ बोया हुआ था, मतलब कि ईट 5 स्टार डू नथिंग। एंड यहाँ पर हमको टॉप 2 में एलिमिनेट होना था, बट हमें यहाँ पर 27 का प्लस मिला एंड हम टॉप 3 में एलिमिनेट हो गए। अब बात करें गाइस ये वाले गेम की, तो मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 4 बंदे ये लाइव थे, जिसके बाद मैं यहाँ पर गाड़ी लेके घूम रहा था। एंड इस गेम के अंदर मेरा नेटवर्क इतना ज्यादा हाई जा रहा था, मतलब कि बार बार येलो पिंक पे ही जा रहा था। इसके बाद सामने से एक बंदा आता जिसको मैं M14 से डैमेज करता हूँ एंड मेरे को इस गेम के अंदर AWM नहीं मिल पाती, जिसके बाद मैं स्काइलर का यूज करता हूँ। एंड ये बंदा इस साइड में घुस के आता है तो पीछे से भी इसको डैमेज पड़ने लगाता है एंड मैं यहाँ पर इसका वेट करता हूँ, जैसे ही बंदा अंदर आएगा तो उसको फिनिश करूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं इस साइड जाता हूँ तो ये बंदा अचानक से अंदर घुस के अंदर साइड निकल जाता है एंड मैं फिर इसको फायर करने जाता हूँ, UMP से थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, जिसके बाद ये बंदा ग्लू वॉल कर लेता है। जिसके बाद की पीछे से एक बंदा गाड़ी लेके आता है एंड उसने गाड़ी रोक दी थी, इसलिए मैं पीछे निकल जाता हूँ एंड इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ। तो ये बंदे के पास M10 थी एंड यहाँ पर लिटरली मैं कैसे बचा आप लोग खुद ही देखो, मतलब कि यहाँ पर दो बंदे आते हैं पूरा रश करने के लिए, जिसके बाद मैं ग्लू वॉल मार के सीधा अंदर चल जाता हूँ एंड पीछे से भी एक और एनिमी आता है, जिसके बाद मैं फटाफट यहाँ पर पैक कर लेता हूँ अपने आप को एंड हील वगैरह कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता तो लास्ट के 3 ही एनिमी थे एंड इतने में एक बंदा पीछे से आता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज करता हूँ, बट मेरा नेटवर्क भी ठीक नहीं चल रहा था एंड ये बंदा भी फिनिश हो जाता है। जिसके बाद लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए थे एंड एक और बंदा मेरे सामने आता है, जिसके बाद मैं इसको भी डैमेज करता हूँ एंड काफी सारा डैमेज करता हूँ, तो मुझे पता ही लगता है ये बंदा भी फिनिश हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला मैच निकल जाता है, बूया बूया बूया। एंड मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा मास्टर रैंक शो कर रहा है, मतलब कि मैं एकदम से डर गया था कि ID ब्लैक लिस्ट तो नहीं, बट ये वाली गेम के अंदर 55 का प्लस मिल जाता है। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 8 किल निकल चुके थे, सामने मेरे को एक एनिमी दिखता है जिसको मैं डैमेज करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये बंदा फिनिश हो जाता है। मेरा नेटवर्क इशू था इसी वजह से, फिर एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था जिसमें मैं यहाँ पर फ्लैश फ्रीज वगैरह ट्राई करता हूँ ताकि इसको डैमेज आए एंड ये बंदा यहाँ पर सेंटिनो का एबिलिटी यूज करके ऊपर आने का ट्राई कर रहा था, जिसके बाद मैं इसके सेंटिनो पे ही नेट मारने लग जाता हूँ एंड ये बंदा जैसे ही टेलीपोर्ट होता है इसके यहाँ पर ये मेरा नेट चल जाता है, जिसके बाद ये बंदा भी फिनिश हो जाता है एंड हमको 10 किल के साथ ये वाला मैच भी बूया निकल जाता है। एंड ये वाली मैच के तुमको टोटल यहाँ पर 35 का प्लस भी मिल जाता है। तो अब बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर, 2 की स्ट्रिक भी बन जाती है। अब आप में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि मैं जोन के अंदर क्यों जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर AWM नहीं मिली थी एंड मैंने 3 अर्सनल खोल के देख लेते, जिसके बाद की एक लास्ट का ही अर्सनल बचा हुआ था जिसमें मेरे को चेक करना था कि यहाँ AWM है या नहीं, इसलिए मैं गाड़ी लेके यहाँ पर पूरा अंदर जोन के अंदर आता हूँ, वो भी AWM के लिए। बट यहाँ आने के बाद मुझे AWM नहीं मिलती, तो मैं फटाफट यहाँ पर से गाड़ी पकड़ के फिर से जोन के लिए निकल जाता हूँ। मतलब कि आप ही सोचो, केवल एक AWM के ग्लोरी पुश करने के लिए मैं कहाँ से कहाँ आना पड़ रहा है और कितने बार तो AWM को उठाने के चक्कर में ही हम एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जैसे ही मैं जोन के पास में पहुंच जाता तो मेरे को दिखता कि सामने एक सुपर एयरड्रॉप है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ही लूट कर लेते हैं, क्या पता हमको इसमें से ही AWM मिल जाए, तो मैं फटाफट यहाँ पर निकल जाता हूँ। अब एयरड्रॉप को चार्ज करते करते मेरे को दिखता कि एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है एंड मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता हूँ, जिसके बाद ये बंदा डबल वेक्टर लिए हुए था बट मैं इसको हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ, जिसके बाद मैं फटाफट अपने आपको पैक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर भी हमको AWM नहीं मिलती, मतलब कि SVD मिली है। अभी जस्ट एक आखिरी का लेयर बचा हुआ, अगर उसमें मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो हमें बिना AWM के ही रहना पड़ेगा। अब जैसे ही एयरड्रॉप फुल चार्ज होने वाला था, इतने में एक और एनिमी आता है जिसको मैं M10 से थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, फिर मैं फटाफट चेक करने जाता हूँ यहाँ पर क्या है एंड यहाँ पर लॉन्चर होता है एंड हमको AWM नहीं मिल पाती, जिसके बाद की ये बंदा ग्लू मेल्टर वगैरह ट्राई करता है मेरी वॉल तोड़ने के लिए एंड जैसे यहाँ पर ये मेरी ग्लू वॉल तोड़ देता है तो मैं एक और बॉल मार के सीधा फटाफट जोन के लिए भाग जाता हूँ तच्चुए यूज करके एंड जैसे मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ तो एक और एनिमी यहाँ पर होता है, जिसके बाद की मैं इसको फटाफट से एक हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ, पीछे से भी डैमेज पड़ जाता है, मतलब कि चारों तरफ से मेरे को डैमेज पड़ जाता है, जिसके बाद फटाफट से मैडी मार लेता हूँ एंड इतने में कोई बंदा स्काइलर मारता है, जिसके बाद की मैं फिर बच के जैसे ही निकलता हूँ जोन के लिए तो पीछे से वाला बंदा डैमेज देने ही लग जाता है, जिसके बाद मैं फिर से एक और वॉल मारता हूँ एंड वो बंदा लिटरली वहां से गाड़ी लेके मेरे पर रश करने आ जाता है। अब एक बंदा तो गाड़ी लेके रश कर ही रहा था कि पीछे से एक और बंदा डैमेज देने लग जाता है, जिसके बाद मैं गाड़ी से तो बच जाता हूँ बट ये बंदा मेरे को फिनिश कर जाता है, जिसके बाद की ये वाले मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 19 का। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर, बात करी गई ये वाले मैच की, तो मेरे 7 किल निकल चुके थे, लास्ट के 3 बंदे अलाइव थे, इतने में मुझे दिखता कि नीचे साइड फाइट हो रही थी, फटाफट यहाँ से किल निकालने निकल जाता हूँ एंड जैसे ही मेरे को सामने एक बंदा दिखता है तो उसको डैमेज करने का ट्राई करता हूँ, जैसे डैमेज होता है इसका सोनिया एक्टिव होता है, जिसके बाद की ये बंदा यहाँ पर डिमेट्री ऑन कर लेता है, तो मैं फटाफट इसको फिनिश कर लेता हूँ, जिसके बाद की मेरे 8 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब जस्ट यहाँ पर एक आखिरी का एनिमी था जो कि यहाँ पर टावर के पीछे था, तो मेरे पास यहाँ पर गाड़ी भी थी अपनी, तो मैं फटाफट यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता हूँ ताकि मैं ऊपर चले जाऊँ उस पर रश करने के लिए एंड जैसे ही मैं गाड़ी लेके ऊपर की साइड जाता हूँ तो ये बंदा गाड़ी लेके नीचे की साइड आता है, मतलब कि हाइट का एडवांटेज इस बार मेरे पास था, तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ एंड जैसे ये बंदा सामने से आता तो मैं इसको डैमेज करता हूँ, यहाँ पर गाड़ी ही डैमेज हो जाती है, जिसके बाद की मैं इस पर स्काइलर मारता हूँ ताकि इसकी वॉल टूटे एंड थोड़ा बहुत MP5 से हेड भी पड़ जाता है, जिसके बाद की फिर से एक और स्काइलर था तो इसको भी मार देता हूँ
एंड फिर से इसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, जिसके बाद की कवर पे चल जाता है। इसके बाद मेरे पास कुछ ग्रेनेड बची हुई थी, तो मैं फटाफट कुक करके इसकी साइड को फेंकने जाता ताकि इसको डैमेज आ जाए, जिसके लिए मेरे को रश मारने में इजी रहे। तो मैं फटाफट यहाँ पर कुक करके दो चार नीड मारता हूँ, तो ये ऊपर की साइड से आने लगता है, तो मैं ऊपर ही फेंक देता हूँ। बट इतने में ही राइट से रश कर देता है, जिसके बाद उसको डैमेज करता हूँ एंड हेडशॉट के साथ फिनिश कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला मैच भी नौ किल के साथ निकल जाता है, बूया बूया बूया। एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल प्लस मिल जाता है 36 का। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाली मैच के, तो मेरे 6 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 3 एनिमी अलाइव थे। एंड मेरे पास यहाँ पर लॉन्चर था, तो मैं लॉन्चर से ही यूज कर रहा था, इस बार लॉन्चर से ही किल निकाला था। एंड जैसे मैं सामने एक बंदे को डाउन करता हूं, तो इसको फिनिश भी कर लेता हूं। एंड अभी लास्ट के 2 ही एनिमी बचे हुए थे, जो कि यहाँ पर सामने मेरे को एक और एनिमी दिखता है, तो यहाँ पर इसको डैमेज करता हूँ, जिसके बाद ये फिर से निकलने का ट्राई नहीं करता। एंड वहीं पर एक और एनिमी आता है, जिसके बाद कि इन दोनों की फाइट होती है, उनमें से एक बंदा फिनिश हो जाता है। जिसके बाद कि मेरे पास स्कैलर था, तो मैं स्कैलर मार लेता हूँ एंड साथ में लॉन्चर था, तो मैं लॉन्चर फेंकता हूँ, जिसके बाद कि ये बंदा डैमेज होकर डाउन हो जाता है। एंड इतने ही मुझे दिखता है कि वो बंदा डिमेट्री भी ऑन कर चुका है, तो मैं फटाफट जाता हूँ एक और स्कैलर मारता हूँ एंड फिर से यहाँ पर लॉन्चर का यूज करता हूँ एंड इस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। एंड 8 किल के साथ ये वाला मैच भी बूया निकाल लेता हूँ, जिसके बाद कि ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर 30 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ हमारे 8 किल भी निकलते हैं। इसके बाद से मैं अगला मैच खेलता हूँ, जिसके अंदर की मेरे 7 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 3 ही बंदे अलाइव थे। जिसके बाद की मेरे पास M10 साथ में यहाँ पर SVDY थी एंड इस गेम के अंदर भी हमको AWM नहीं मिली थी, मतलब काफी ज्यादा ढूंढा फिर भी नहीं मिली। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा था एंड सामने से एक बंदा डैमेज करता है, जिसको एकदम वन टैप मार देता हूँ, मतलब कि मैं कभी नहीं मारता, पर पता नहीं आज SVDY से कैसे वन टैप पड़ गया। इसके बाद लास्ट के 2 ही एनिमी बचे हुए थे, तो मैं फटाफट वॉल मार के आगे निकल जाता हूँ एंड जब लास्ट दोनों बंदों की लोकेशन मुझे मिल चुकी थी, एक बंदा सामने वाली ग्लू वॉल के पीछे था, तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड जैसे यहाँ पर जोन छोटा होता, तो मैं आगे पत्थर के यहाँ पर चल जाता हूँ एंड यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं एनिमीज की वॉल पे ग्लू मेटल वगैरह डाल देता ताकि इनकी ग्लू वॉल टूट जाए। एंड जैसे मैं देखता हूँ कि सामने से बंदा मेरे पर रश करने लगा है, तो मैं यहाँ पर एक और वॉल मारता हूँ एंड मेरे पास M10 तो थी, मैं M10 लेके उछलता हूँ सीधा इसके ऊपर जाके वोकंग बनता हूँ एंड इसको डैमेज करता हूँ एंड फाइनली इसको भी फिनिश कर लेता हूँ। इतने में वो बंदा गाड़ी लेके घुस जाता है एंड इसके बाद जीप थी एंड वो बंदा उतर जाता है, जिसके बाद मैं इसको भी डैमेज करता हूँ। एंड यहाँ पर M10 तो अपनी रिलोड थी, तो मैं इसको थोड़ा बहुत और डैमेज करता हूँ एंड इस बंदे का सोनी एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद कि ये बंदा भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो ये वाला मैच हमारा 10 किल के साथ निकल जाता है, बूया बूया बूया। एंड ये वाली मैच के अंदर हमको टोटल यहाँ पर 32 का प्लस मिल जाता है 10 किल के साथ। फिर इसके बाद मैं अगला मैच खेलता हूँ, जिसके अंदर की फिर से मेरा बूया निकलता है एंड ये वाली गेम के अंदर हमको टोटल यहाँ पर 6 किल के साथ बूया निकलता है, जिसके अंदर 29 का प्लस मिलता है एंड साथ साथ 2 की स्ट्रीक भी। अब काफी सारे मैचेस खेल लिए थे, जिसके बाद हमारा ग्रैंड मास्टर 3 भी होने वाला था एंड इस मैच के बाद हमारा ग्रैंड मास्टर 3 भी अचीव होने वाला था, जिसके बाद ये वाला मैच तो मुझे किसी भी हालत में बूया करना था। बट यहाँ पर मेरी सिचुएशन इतनी खराब है कि सामने से बंदा ग्रेनेड मार ले जाता है, जिसके बाद यहाँ पर MP5 से काफी गंदा हेड मारता है एंड एक बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। जिस टाइप से मैंने स्प्रे किया था, उस टाइप से ये बंदा भी डैमेज था एंड यहाँ पर मैं पैक हो जाता हूँ, ये बंदा 2 ग्लू वॉल मार लेता है, तो मैं यहाँ पर पैक हो जाता हूँ। बट इतने में ही क्या होता है कि राइट से एक बंदा यहाँ पर लॉन्चर मार लेता है, जो कि वॉल वाला होता है FGL-24 एंड उस लॉन्चर से मेरी पूरी वेस्ट एंड हेलमेट डैमेज हो जाती है, मतलब कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है एंड यहाँ पर मैं पैक हो जाता हूँ, जिसके बाद कि मैं फटाफट मेडी मारने लग जाता हूँ एंड जो सामने वाला बंदा था वो मेरे पे फिर से यहाँ पर ग्रेनेड मारने का ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पर मैं जैसे ही बैठ के इसको देखता हूँ कि ये नेड मारने का ट्राई कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ एंड इतने में देखता हूँ कि नेड मेरे पास में आ चुका है, तो मैं फटाफट कवर पे चल जाता हूँ एंड इसके बाद मैं जल्दी से ये वाली ग्लू वॉल को तोड़ देता हूँ। एंड मेरे पास वेस्ट तो नहीं थी, बट मुझे इसको किसी भी हालत में फिनिश करना था, तो मेरे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर स्किल थी, पता नहीं कौन सी है, तो मैं इसको फटाफट डैमेज करता हूँ। इसके बाद MP40 थी, तो मैं इसको डाउन कर लेता हूँ एंड फटाफट चल जाता हूँ इसको फिनिश करने के लिए, जिसके बाद मैं इसको फटाफट फिनिश कर लेता हूँ एंड मेरे 3 किल भी निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर अभी मुझे जोन किल निकलना था, फटाफट मैं जोन में पहुंचता तो लास्ट के 3 ही बंदे अलाइव थे, जिसके बाद मैं सामने वाले बंदे फ्लैश फ्रीज मारता हूँ ताकि उसको डैमेज आए एंड इतने में ये सामने निकल के आता, तो मैं उसको थोड़ा बहुत और डैमेज करता हूँ एंड इतने में मैं देखता हूँ कि सामने वाला बंदा मॉन्स्टर लेके आ चुका है एंड वो बंदा उसको उड़ा देता है, जिसके बाद कि मैं इस गाड़ी में बैठ जाता हूँ एंड जैसे इसको डैमेज करता हूँ, तो इसको 1 शॉट 2 शॉट एंड एक और शॉट कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं गाड़ी में खुद बैठ जाता हूँ। तो ये बंदा पीछे की साइड को निकलने लगता है, तो मैं फिर से एक और शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड इस बंदे को भी नॉक ले लेता हूँ, जिसके बाद कि मैं इस बंदे को यहाँ पर AWM के साथ फिनिश कर लेता हूँ एंड इसके साथ हमारा 4 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है, बूया बूया बूया। मतलब कि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच मैं हार जाऊंगा, जहाँ पर कि मेरी वेस्ट वगैरह पूरी डैमेज हो चुकी थी एंड इसी के साथ हमारा ये वाले मैच के अंदर 29 का प्लस मिलता है एंड साथ साथ 3 की स्ट्रीक भी। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि हमारा ग्रैंड मास्टर 3 भी अचीव हो चुका है फाइनली, मतलब कि हमने आज में 1 से 2 लगाया एंड फिर 3 को भी अचीव कर लिया है एंड इसी के साथ हमारा स्कोर 7508 हो जाता है एंड हम 3391 नंबर रैंक पे भी आ चुके एंड 7912 पे अगला रैंक है, यानी कि ग्रैंड मास्टर 4।
तो अगर लीडर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे टोटल विंस की बात करें तो हमारे टोटल विंस यहाँ पर 50 हो चुके हैं। हालांकि अभी भी हमको रीजन टॉप 100 में जाने के लिए अभी कुछ और विंस लगेंगे। 50 विंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड 64 विंस करने पड़ेंगे हमको, मतलब यानी कि 14 विंस और करने पड़ेंगे। एंड वही बात करें गाइस AWM की, तो AWM के अंदर हम टॉप 100 के अंदर भी नहीं थे। एंड अभी की बात करें तो हम इंडिया के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं टॉप 38 नंबर पे, मतलब कि हमने टॉप 50 का ट्राई करने का सोचा था बट हम टॉप 38 पे आ चुके हैं। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मैं AWM के साथ और कोई अदर गन्स में भी टॉप वन करूं या ना करूं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक बने हो तो कमेंट्स में जरूर से रीजन टॉप 100 सून जरूर से लगा देना, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग वीडियो पे अभी तक बने हुए हो। एंड साथ साथ अपनी रैंक भी कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।